हो गए मित्रों, और ये हमने सिर्फ पॉइंट पढ़े हैं सिर्फ रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेश से। तो देख लीजिए अच्छे से, लगभग लगभग मित्रों अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो हमने लगभग लगभग अभी यहां तक छोटे मोटे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लगभग लगभग हमने 30 से 40 क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जामों में पूछे हुए वो पढ़ लिए, और पहली वाली क्लासेज के अंदर भी हमने जो चर्चा की उसमें भी हमने काफ़ी कवर किया। ये देखो दूसरी क्लासों से, दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारा जो न्यू उड़ान क्लासेस जो इंस्टीट्यूट है वो अलग पहचान कैसे बनाता है वो सुनो मित्रों। अगर आपका कोर्स कंप्लीट कराना होता और एक कहते हैं ना कि बस कोर्स डालना है तो वो वाली अगर बात होती तो मैं सीधी बात आकर सीधे मत्स्य संघ प्रथम चरण से करता। ये तुम अगर प्रूफ करना चाहते हो तो दूसरे इंस्टीट्यूट के चैनल्स पर भी जाकर आप देख सकते हो। अगर इतनी चीज़ें एकीकरण के सामान्य जानकारी में अगर बताई हो तो इस बात को ध्यान रखना। इन्हीं बातों पर, इन्हीं पैटर्न के आधार पर न्यू उड़ान क्लासेस ये आपको स्पेशली चीज़ें ऑब्जर्व करवा रही है, और हमें स्टूडेंट्स का प्रेम भी मिल रहा है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। और देखो सामान्य जानकारी के अंदर मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड करीबन करीबन मैं छोटे मोटे क्वेश्चंस की बात करूं तो 70 से 80 क्वेश्चंस मैंने आपको सामान्य जानकारी में बता दिए। तो सोचिए सामान्य जानकारी के अंदर, सामान्य डोज के अंदर तुम्हें अगर गुलाब जामुन, रसगुल्ले वगैरह, ये जो मिठाइयाँ है ये सब कुछ मिल जाए तो एंडिंग कितनी खतरनाक होगी, हैप्पी एंडिंग होगी मित्रों, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो आप खुद कंपेयर कीजिए, किसी चीज का एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद खुद डिसाइड कीजिए कि हमें क्या करना है। और एक बात ध्यान रखना, अगर क्लासेज पसंद आती है तो अपने स्टूडेंटों को भी बताना है, सजेस्ट करना है कि फलाना टीचर है, फलानो आदमी है। और टीचर तो काम, मैं तो आपका जस्ट लाइक आप मुझे भाई बोल सकते हो कि भाई उस भाई की क्लास जाकर देखो, सेटिस्फिकेशन होता है तो आप हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने के साथ ये नहीं कि स्टडी तो करोगे, स्टडी कैसे करोगे वो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे, मस्त तरीके से अपना जीवन यापन करें, घर पर मस्त रहे और अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर वालों को भी अच्छे से उनका भी ध्यान रखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें कंप्लीट। नेक्स्ट क्लासेस जो होगी उस क्लासेस के अंदर हम अब चरण जो होते हैं राजस्थान एकीकरण के, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, उन चरणों को स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से तैयारी करनी है, मस्त तरीके से तैयारी करनी है और जुड़े रहना है मेरे साथ। मैं आपको जो ये टॉपिक करा रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने हमेशा का एक एक एपिसोड लेकर आ रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।